इंसानियत को शर्मसार करती घटना। एंकर उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र में एक्सीडेंट से घायल हुई महिला मरीज को परिजन हरदो स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां मरीज की हालत गंभीर देखते हुए वहां के डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तत्काल सरकारी एम्बुलेंस से घायल महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर VM0T0 ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए घायल महिला के साथ आए तुमारदार महिला से अंदर से लेकर बाहर तक एम्बुलेंस की गुलाई करवाई। एक देहात की महिला द्वारा एम्बुलेंस की गुलाई करते देख मीडिया ने महिला से जब एम्बुलेंस की गुलाई करने की वजह पूछी तो महिला का जवाब इंसानियत को शर्मसार करने वाला रहा। पीड़ित महिला ने बताया, यह एम्बुलेंस हमारे मरीज को लेकर आई है। एम्बुलेंस वाले हमसे 200 रुपए मांग रहे थे, हमारे पास 200 रुपए इनको देने के लिए नहीं थे। हमने बोला है, किसने कहा था गाड़ी ढूंढने के लिए? कौन बोला है? ये ढूंढ रहे हैं ना, किसने बोला है ढूंढने के लिए? एक आदमी बोला था। कौन बोला? हमने बोला है क्या आपको? नहीं, तुमने एक आदमी ढूंढ रहे हो। कौन? गाड़ी ड्राइवर ने? किसने कहा? इतना ही है भाई, अब क्या बोला था? बोला इसको ढूंढो नहीं, 200 रुपए लगेंगे। कहाँ से आई आप? हम खागा। कौन से गाँव है? महिला तो बता रही है, महिला तो बता रही है कि जो इसको ढूलो बोल रहे हैं, नहीं तो 200 रुपए लगेगा भाई। फिर हमने बोले ना कोई, अभी अभी देखे हैं उनका, अभी महिला ने बताया है। हमने बोला हम क्या कर रही हो, हमने मना किया गाड़ी के ढूंढ रहे हो। कैमरा देखा ही नहीं, ठीक है ना? हम तो वहाँ खड़े थे। कैमरा देख, क्या नाम है? अरे पूछ भी नहीं।